हाय गाइस, वेलकम बैक टू द टैरो टेल्स। एंड आज है डे 2। सो हमने पूजा कर लिया है, सब कुछ हो चुका है। रोहन हैज़ गॉन फॉर सिलेक्शंस, आई हैव स्टेड बैक बिकॉज मुझे 2-3 कोलैब शूट्स करने थे। सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी व्हाट इज़ योर स्किन केयर रूटीन और मेकअप रूटीन, तो आई थॉट कि वो भी आज शूट कर लेते हैं। उससे पहले मुझे मेरा मील करना था आज का। सो इफ़ यू गाइज आर एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम, गाइज नो दैट एवरी डे आई एम मेकिंग सम मील्स एंड मैं आपको दिखा भी रही हूँ व्हाट आई एम ईटिंग। माई ट्रेनर हैज़ एक्सप्लेन मी कि क्या मैं ले सकती हूँ क्या नहीं ले सकती हूँ। मैंने आज पनीर डाला है, मशरूम डाला है, देन देर इज़ कोकोनट मिल्क। आई डोंट नो, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है बट वो दिख बहुत डिलिशियस रहा है। सो लेट्स सी कैसे बना है। This is the meal. This is how it has turned out. So अब देखते हैं, I'm going to taste this and let's see कैसे बना है। So this has a little cheese also. Guys, this is so good. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दिस इज रियली डिलिशियस। दिस वॉज लिटरली वन ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल कुकिंग एंड इट हैज टर्न्ड आउट अमेजिंग। दिस इज सो गुड, आई कांट वेट टू ईट दिस। वाओ, आई एम सॉरी, दिस इज टू गुड। ओके, आई फिनिश अप द मील एंड देन वील स्टार्ट, गेट रेडी विथ मी। सो मेरा लंच हो चुका है एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विथ अ मेकअप। तो बेसिकली मैं उसी मेकअप में कर लेती थी मेरा शूट, बट देन क्योंकि मुझे गेट रेडी विथ मी बहुत दिनों से शूट करना था, दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉश माई फेस एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद दिस अगेन। सो सबसे पहले व्हाट आई यूज़ इज़ मिनिमलिस्ट विटामिन सी सिरम। सो दिस आई हैव बीन यूजिंग सिंस द टाइम दिस वॉज लॉन्च्ड। सो आप इमेजिन कर सकते हो मैं कब से इसे यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दिस प्रोडक्ट। So, 1, 2, 3. Then I am going to be using Neutrogena Bright Boost. So, this is my favorite. ये लगाने के बाद मतलब एक instant glow आ जाता है and that is what you need, right? So, like I think this is my second or third purchase now. Also, the products that I will be showing today, none of them are sponsored. ये मैं खुद daily basis पे apply करती हूँ। Now you will notice this nail. मेरे सब नाखून टूट गए इस बार, सिर्फ एक ही बचा है, तो मैं अभी उसके भी टूटने का इंतज़ार कर रही हूँ। Hence, just one nail is remaining. Yes, that is it. This is my skin right now. So usually यही मेरा बेस होता है, आफ्टर दिस आई अप्लाई द सनस्क्रीन एंड आई एम गुड टू गो। बट क्योंकि आज मुझे शूट करना है अच्छे से, सो वट आई बी डूइंग इज आई विल टेक दिस कलर बार कंसीलर, आई अप्लाई इट योर एंड आई टेक द सेम मॉइस्चराइजर अगेन, क्योंकि नहीं तो ये ब्लेंड नहीं होता है अच्छे से, एंड देन मिक्स इट, मिक्स 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 मिक्स। या सो अगेन वॉट आई वॉन्ट टू एड इन दिस वीडियो इज दिस इज माई मेकअप रूटीन। सो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करो, दिस इज़ वॉट आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर इयर्स एंड इट वर्क्स फॉर मी वेल। सो अब मुझे जिसकी आदत है मैं वही करूँगी ना। सो अगर इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू डोंट नो द स्टेप्स एंड यू नो यू स्टिल वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन योर फेस ग्लो लाने के लिए, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। टू बी ऑनेस्ट, मैं 2 साल पहले तक ये भी नहीं करती थी, बट देन अभी ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द शूट्स एंड एवरीथिंग थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। इफ़ यू लाइक इट यू कैन फॉलो और एल्स यू डू वॉट यू लाइक। ये मेरे लिए ऐसा है कि 5 मिनट में हो जाता है, सो इट वर्क्स फॉर मी। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस के ब्यूटी ब्लश। सो दिस इज़ अ लिक्विड ब्लश एंड द शेड इज कोजी कोरल, कोजी कोरल। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई चीक्स राइट नाउ। सो आई डिरेक्टली मुझे ज़्यादा नहीं है गाइस, इससे ब्लेंड होने वाला है, डोंट वरी। मैं हाथों से नहीं कर रही क्योंकि फिर ज़्यादा लग जाता है।
पूरा मेकअप इसी से हो जाता है, मेरे को और कुछ ज़रूरत ही नहीं है, इसी से हो जाता है मेरा पूरा मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर से. एंड यू गुड टू गो. सो दिस इज माई फेस राइट नाउ. अभी इट्स टाइम फॉर द आईब्रोज. सो फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग बेनिफिट गिव मी ब्रो वॉल्यूमाइजिंग पेंसिल. मैंने ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है यूज़ करना, नहीं तो मैं इससे पहले आई वॉज यूजिंग फेसेस कैनेडाज आईब्रो पेंसिल, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. आई एम जस्ट गोइंग टू डिफाइन माई आईब्रोज क्योंकि ये ऑलरेडी शेप में है. तो ये बेसिकली एक मिनी साइज है, इससे बड़ा वाला भी आता है, बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ दैट आई विल ट्राई द मिनी साइज वर्जन फर्स्ट बिफोर इन्वेस्टिंग सो मच इन एनी प्रोडक्ट, बिकॉज इफ आई डोंट लाइक इट मुझे हमेशा वो डर रहता है मेरे पैसे ना वेस्ट हो जाए. बट विल आई परचेज अ फुल साइज प्रोडक्ट फॉर दिस? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने बजट में इससे बेटर आईब्रो पेंसिल्स यूज़ किए हुए हैं. सो नो, आई डोंट थिंक सो. बट लिया है, ख़त्म करना है, दैट्स द रीज़न वाई आई एम यूजिंग इट राइट नाउ. आफ्टर दिस आई विल बी यूजिंग माई काजल. सो दिस इज के ब्यूटी काजल. इफ यू रियली वॉन्ट टू बाय अ काजल विच स्टेज फॉर लॉन्ग, गो फॉर दिस वन. आई एम टेलिंग यू दिस इज सो गुड. हैव यूज सो मैनी, बट थोड़े टाइम बाद इट स्टार्ट्स स्मजिंग. सो काजल इज समथिंग जो मैं स्कूल टाइम से लगा रही हूँ. जिस दिन मैं काजल ना लगाऊँ मुझे लोग पूछते हैं तुम बीमार हो क्या. डज दैट हैपन विथ यू ऑल्सो? क्योंकि मेरी आँखें फिर छोटी लगने लगती है. मुझे अभी आदत हो गई है काजल लगाने की, नहीं तो फिर मैं बीमार लगती हूँ, ऐसे मुझे लोग बोलते हैं. एंड देन वट आई यूज़ इज़ लैक्मे आइकॉनिक आई लाइनर. मुझे स्ट्रोक्स इससे बहुत अच्छे से बैठते हैं, सो आई लव यूजिंग दिस. सो ये हो गया मेरा आई लाइनर. नाउ इट्स टाइम फॉर द मस्कारा. सो आईज इज समथिंग दैट मैं अच्छे से अपना टाइम लेके करती हूँ. सो दिस इज कीको मिलानो लग्जूरियस लैशेस. सो लिपस्टिक में वॉट आई विल बी यूजिंग इज शैम्बर्स कॉफी डेट. सो आई लव दिस लिपस्टिक. इफ यू आर ऑफ माई स्किन टोन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट न्यूड शेड, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. आई ऑल्सो लाइक अप्लाइंग कलर बार्स हॉट लाटे, बट आई लव दिस ऑल्सो. आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ इट इफ यू कैन सी. तो मैं भी इसको मेरे लिप्स से लगाने वाली है. ओ नो, आई जस्ट नोटिस सनस्क्रीन लगाना था. अब याद रख लेना, मैं भूल गई गाइस, सनस्क्रीन लगा लेना. क्या ब्यूटी गुरु बनेगी रे तू. ये मुझे न्यूड शेड पसंद है, बट अपने लास्ट वीडियो में देखा था रोहन ने बोला था दैट यू नो आई ऑलवेज लाइक मिक्सिंग टू लिपस्टिक्स टू गेट दैट परफेक्ट शेड. सो ऑन टॉप आई एम गोइंग टू बी यूजिंग टॉप विच इज फ्रॉम मैक. And this is a beautiful shade, guys. It's a beautiful shade. And that's it. Isn't it beautiful? This is my shade. I love it. Next, I will be using this setting spray from Anastasia. This is Dewy Set. This is amazing and definitely I'm going to purchase a full size product of this. It gives you an amazing glow. Dum se chehra khil jata hai. So if you also want to try this product, get a mini sized one. If you like it, then buy a full size one. This is really good, like worth the money. So I'm going to spray this on my face. Let it dry a little. Now it's time for my hair. So maine last video mein कर्ल्स किए थे विद द स्ट्रेटनर, तो मैनी ऑफ यू हैड आस्क्ड कि कैसे किया है, सो शो दैट ऑल्सो. तो मैं यही वीडियो में सब दिखाने वाली हूँ, पूरा कंटेंट यूज़ करने वाली हूँ मैं सब एक ही वीडियो में, विच इज़ सच अ बैड थिंग टू डू एज एन इन्फ्लुएंसर, बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम ऑल्सो. सो आप देख लो. सो एक्चुअली दिस इज़ माई सेकेंड डे हेयर नाउ, सो आई एम नॉट श्योर कि वो अच्छे से सेट होगा या नहीं, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस व्हेन योर हेयर इज प्रॉपरली वॉश्ड टू गेट लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स. सो ये हेयर स्ट्रेटनर इज ऑल्सो फ्रॉम
what is the brand name. This was actually Babyliss, मुझे जितना याद है. So मैंने ये Babyliss. So मैंने ये ख़रीदा था from Nykaa. I think it was for 3,000 rupees or something. I'm not sure, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने ये ख़रीदा था 1.5 साल पहले. And it's good. If you want to invest in a good hair straightener, this is really nice. Promotion नहीं है, बता रही हूँ. So this has intense protect and it goes up to 235, but I use it 200 degree Celsius पे. बहुत TMI हो गया क्या? Okay, let's start. Okay, इसको थोड़ा हम partition करते हैं पहले. So what I'll do is, पहले मैं नीचे वाले कर लूँगी and then ऊपर वाले करेंगे. My natural hair type, if you ask me, it is wavy. But you see my hair always straightened because I straightened my hair. I know it is really bad. तो मैंने बीच में सिस्टीन किया था, but उसको अभी I think 8 to 9 months हो चुके हैं. So it has grown very nicely. मतलब जो मैंने केराटिन करके मेरे बाल डैमेज करवाए थे, सिस्टीन is amazing. It also depends from whom you get it done from, but it is really good. क्योंकि मतलब I did not face उतना हेयर फॉल जितना मैंने केराटिन के लिए फेस किया था. जब मैंने सिस्टीन कराया भी था, माय हेयर लुक नेचुरली स्ट्रेट. सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड. वो मुझे केमिकली ट्रीटेड हेयर नहीं दिखाना था. सो इट लुक्ड रियली नाइस. आई वुड रिकमेंड सिस्टीन, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम होम यू गेट इट डन. मैंने करवाया था पुणे में, देर इज दिस पुणे हेयर कंपनी, वहाँ से करवाया था एंड इट वॉज रियली नाइस. Pull it down till here, okay, and then I twist it. I twist it till the end. I keep it for 2 seconds, and then I leave it. So that. हुई है आज. रोहन ने बोला है दैट ही इज़ गोइंग टू व्लॉग टुडे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि वो क्या व्लॉग करने वाला है आज. ये हम आउटर साइड में करेंगे कर्ल एंड दैट्स इट. इट्स वेरी इजी, यू डोंट नीड अ कर्लर टू डू दिस. एंड दिस इज नॉट द फिनिश प्रोडक्ट. इसको हम ओपन अप करने वाले हैं. वन मोर डिस्क्लेमर बिफोर स्ट्रेटनिंग योर हेयर, प्लीज़ यूज़ हेयर प्रोटेक्टर. मेरा ख़त्म हो चुका है, विच आई हैव टू ऑर्डर अभी. दैट इज़ द रीज़न वाई मैं अभी डायरेक्टली करूँ, बिकॉज आपको दिखाना है एंड ऑफकोर्स आई हैव टू स्टाइल माई हेयर फॉर द शूट. सो प्लीज़ यूज़ द हेयर प्रोटेक्टर इफ़ यू वॉन्ट. वन दैट आई यूज इज़ फ्रॉम बेड हेड, विच इज़ रियली नाइस. सो आप वो यूज़ कर सकते हो. ये मेरे कर्ल्स हो चुके हैं. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ओपन अप दीज कर्ल्स अ लिटिल, नॉट टू मच बट अ लिटिल. ये मैंने सेकेंड डे पे किया है, बट स्टिल नॉट बैड आई थिंक. यस, अनदर थिंग ऑफ सिस्टीन दैट आई वाज गोइंग टू टेल यू कि मैं इस बार वापस सिस्टीन करने वाली हूँ, मे बी इन अ वीक और सो. सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट वीडियो ऑल्सो एंड द एंटायर प्रोसेस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई थिंक मुझे बस इयररिंग्स पहनने हैं एंड आई एम गुड टू गो. परफ्यूम, आई एम अ बिग सकर फॉर परफ्यूम्स. मुझे बहुत पसंद है. मैं कभी मेरा परफ्यूम कलेक्शन दिखाऊंगी आपको. सो टुडे आई एम यूजिंग सेल्वेतो फेरागामोस मिस्टेरियोसा एंड आई लव इट. मुँह में चला गया. ओके, सो आई एम रेडी गाइज. टेल मी इफ यू हैव लाइक माई टुडेज लुक एंड हाउ ईजी इट वॉज. दिस इज सुपर सिंपल. लाइक आई थिंक यू कैन गेट रेडी विद दिस विद इन 10 मिनट्स इफ यू डू दिस वेरी क्विकली. तो इसको ज़्यादा कुछ मेहनत की भी ज़रूरत है नहीं एंड यू आर गुड टू गो. सो दिस वॉज इट. दिस वॉज माई बजट फ्रेंडली एंड नॉन स्पॉन्सर्ड मेकअप स्लैश स्किन केयर रूटीन दैट आई यूज. एंड आई एम सॉरी मैं स्किन केयर ये दिखाना भूल गई शूट की वजह से. आई एम सॉरी. बट यूज़ दिस आफ्टर यू हैव यूज योर मॉइस्चराइजर.
अगर आपको मेरा आज का मेकअप रूटीन / स्किन केयर रूटीन पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल विच इज़ द टैरो टेल्स एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.